बिग बॉस के घर में खुल चुकी है आयशा खान की बोल। अब भाई आयशा क्या गेम खेलेंगी बिग बॉस के घर में, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभिषेक कुमार ने उनका सारा काला चिट्ठा खोलकर फैंस के सामने रख डाला है। जी हाँ, आयशा खान जिस बेस पर शो के अंदर आई थी वो मुद्दा तो उनका खत्म एक दिन में ही हो गया था। उसके बाद आयशा के पीछे पीछे मुनावर घूमते नजर आते हैं और वहीं मुनावर का गेम अब काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, ऐसा फैंस का कहना है। लेकिन अब इसी के बीच अभिषेक कुमार पहले ऐसे कंटेस्टेंट बनकर सामने आए हैं जिन्होंने आयशा के मुंह पर आयशा की पोल खोल डाली है। आयशा उनके सामने तो कुछ जवाब नहीं देती हैं और अपनी ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रोडिक्ट कर देती हैं, अपनी ही बातों में फंस जाती हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग वक्त पर दो अलग अलग स्टेटमेंट देती नजर आई हैं। और उसके बाद वो चली जाती हैं बाथरूम एरिया में, जहां उनका रोना निकल जाता है और उसके बाद मुनावर से वो शिकायत करती हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं दिए, उन्हें सही से जवाब नहीं दिया, जिसके चलते आज उनका दोस्त आयशा पर उंगली उठा रहा है। वेल, आयशा खान के इस बिहेवियर की वजह से उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें अभिषेक कुमार आयशा के मुंह पर कहते हैं कि आप जब यहां आई थी तो आपका कहना था कि आप मुनव्वर से बात तक नहीं करेंगी, लेकिन अब हम देख हैं कि मुनव्वर के साथ अब 2400 घंटे रहती हैं। मुनव्वर आपसे फ्री होकर बाकियों के पास जाते हैं, ऐसे में अब आपका गेम प्लान तो खत्म हो चुका है। आपने जो सोचा था, आपने जो बोला था, आपने वो बिल्कुल नहीं किया, तो आपका यहाँ आना तो वेस्ट हो गया। आपको लगता है कि आप इस बेस पर शो में टिक पाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर आयशा खान अपनी सफाई देते हुए कहती हैं कि मुनव्वर ने सॉरी बोलकर बात खत्म कर दी, तो अब वो किस बात पर उनसे गुस्सा रहे, जिस पर अभिषेक कहते हैं कि ये काफी ज्यादा गलत बात है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस बात को यूज करती हैं और उसके बाद उसे छोड़ देती हैं। ये सुनते ही आयशा वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद मुनव्वर को भी अभिषेक सेम बात समझाते नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मुनव्वर थोड़े वक्त बाद ही आयशा के पास ही खेलते नजर आते हैं। वेल, बात करें फैंस की तो फैंस का रिएक्शन कुछ इस तरह है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि आयशा फिर आई ही क्यों है, व्हाई, जब साथ में नहीं थे पहले से तो फिर क्यों। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, अब ये अभिषेक कुमार के पास भी नहीं भटकेगी, भाई ने पोल जो खोल दी है। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा, पूरा शो का मजा ही खराब कर दिया है इस लड़की ने, अब से हम अभिषेक के फैन हो गए हैं। तो वहीं एक ने लिखा, ये कौन सी टू टाइमिंग है जिसमें बंदा दोनों में से किसी के साथ नहीं है। आपको बता दें इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बीच एक बार फिर से आयशा नाज़िला का नाम लेती नजर आई, जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा भड़क चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।